वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सिख धर्म के गुरु श्री गुरु नानक देव जी और ये पहली पातशाही हैं जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। सिख धर्म जिसे सिख धर्म के नाम से भी जाना जाता है और एक धार्मिक और दर्शन जिसकी उत्पत्ति 14वीं ईसा पूर्व में अंत भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई थी और ये सबसे हाल ही में स्थापित प्रमुख धार्मिक का समूह है और ये लगभग 25 से 30 मिलियन अनुयायियों के साथ दुनिया भर में बड़े पांचवें स्थान पर आते हैं। सिख धर्म के प्रमुख स्थानों में से एक है, उनका नाम गोल्डन टेंपल है। और इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, श्री हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब और हरि मंदिर, सिख धर्म और इन्हीं सभी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगर हम श्री हरमंदिर साहिब जी के इतिहास की बात करें तो आपको एक बार इनके इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आज सिख धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है जिसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां दी गई थी और आपको भी इनके इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए। श्री हरमंदिर साहिब जिसे दरबार साहिब के नाम से या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अंग्रेजी भाषा दुनिया के लिए सुनहरी पर्थ के कारण नाम से हरि भगवान के नाम पर भगवान का मंदिर रखा गया है और दुनिया भर के सिख प्रतिदिन अमृतसर की यात्रा करते हैं और अपनी अरदास में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका करते हैं। और सबसे पहले श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने सिखों के लिए एक केंद्रीय पूजा स्थल बनाने का विचार रखा और उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब की वास्तुकला का डिजाइन किया। पहले पवित्र तालाब यानी अमृतसर या अमृतसर सरोवर की खुदाई की योजना तीसरे श्री गुरु अमरदास साहिब द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसे बाबा बुड्ढा जी ने देख रेख में गुरु रामदास साहिब द्वारा निगरानी में किया गया था। इस स्थल के लिए भूमि पहले गुरु साहिब द्वारा मूल गांवों के जमींदारों से भुगतान पर ली गई थी और नगर बस्ती बसाने की योजना भी बनी। अंत सरोवर और निर्माण कार्यकर्ता शहर की शुरुआत 1570 में साथ में हुई और इन दोनों परियोजनाओं पर काम 1577 में ईसा पूर्व में हुआ था। श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने इनकी नींव 1 मार्च 1645 विक्रमी बसंत दिसंबर 1588 को लाहौर के एक मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी से द्वारा रखी गई थी और इन निर्माण कार्य की प्रथम निगरानी स्वयं श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने की थी और उन्हें बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी, भाई सहलो जी और कई अन्य समर्पित सिखों जैसे प्रमुख सिखों व्यक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। बहुत ऊंचे 70 हिंदू मंदिर वास्तुकला के एक परंपरा पर रचना खड़ी करने के विपरीत गुरु अर्जन साहिब जी ने इसे निचले स्तर पर बनवाया और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के निकास के लिए केवल एक द्वार होने के विपरीत गुरु साहिब जी ने इसे चार तरफ से खुला करवाया और इस प्रकार उन्होंने नए विश्वास सिख धर्म का प्रतीक बनवाया और गुरु साहिब जी ने इसे जाति पंथ लिंग और धर्म के भेदभाव बिना हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाया। भवन निर्माण कार्य भागो सुंदरी 1661 विक्रमी बसंत अगस्त सितंबर 1604 में पूरा हुआ था।
गुरु अर्जन साहिब जी ने नवनिर्मित गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री हरिमंदर साहिब में स्थापित किया और बाबा बुड्ढा जी को इनका पहला ग्रंथी यानी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठक नियुक्त किया। इस घटना के बाद इसे अथ सत तीर्थ का दर्जा प्राप्त हुआ। अब सिख राष्ट्र का पहला तीर्थ एक तीर्थ स्थल था। श्री हरिमंदर साहिब 60 फीट पर बना है। सरोवर का मध्य वर्गकार मंच मंदिर स्वयं 40.5 फुट का है। इसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में एक एक दरवाजा है। दर्शनी देवरी एक मेहराब भक्ति सड़क के किनारे के छोर पर स्थित है। मेहराब के दरवाजे की चौखट की ऊंचाई लगभग 10 फीट, ऊंचाई चौड़ाई में 8 फीट और 6 इंच है और दरवाजे में शीशों को कलात्मक शैली से सजाया गया है। ये उस रास्ते या उस पुल पर खुलता है जो श्री हरिमंदर साहिब की मुख्य इमारत की ओर जाता है। इनकी लंबाई 202 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये पुल 13 फीट चौड़े घुमावदार परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ है। ये मुख्य मंदिर से चारों ओर घूमता है और ये हर की पौड़ी भगवान के कदम तक जाता है। हर की पौड़ी के प्रथम तल पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ होता रहता है। श्री हरिमंदर साहिब जी की मुख्य संरचना कार्यात्मक और तकनीकी रूप से 3 मंजिल है। सामने से जो पुल की ओर है बार बार घुमावदार बहरावों से सजाया गया है और पहली मंजिल की छत 26 फीट 9 इंच की ऊंचाई पर है। पहली मंजिल के शीर्ष पर सभी तरफ से 4 फीट की ऊंची छत है जिसके चारों कोनों पर 4 घंटी भी है और मुख्य अभ्याकरण के केंद्रीय हॉल के ठीक शीर्ष पर 3री मंजिल खड़ी है। ये एक छोटा वर्गकार कमरा है और इसमें 3 दरवाजे हैं। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी के निर्मित पाठ होते रहते हैं। इस कमरे के शीश पर कम बांसुरी वाला गुम्बद है जिसके आधार पर कमल की पंखुड़ी की आकृति उभरी हुई है और जिसके शीश पर उल्टा कमल है जो अंत में एक सुंदर छतरी वाले कलश का समर्थन करता है। इसकी वास्तुकला मुसलमानों और हिंदुओं के निर्मित कार्य के तरीके के बीच एक आदित्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है और इसे दुनिया का सबसे अच्छा वास्तुकला नमूना माना जाता है। ये अक्सर दुर्लभ किया जाता है कि इस वास्तुकला के भारत में कला के इतिहास में वास्तुकला का एक स्वतंत्र सिख स्कूल बनाया गया है। और यदि आप आसपास के इलाके में हो तो आप एक बार माथा टेकना जरूर चाहेंगे क्योंकि ये एक प्राचीन मंदिरों में से एक पवित्र स्थान भी है और आपको भी ये एक अलग अनुभव भी कराएगा। मैं रेडी रेड ब्रोकन हार्ट एक और नई वीडियो को लेकर जल्द हाजिर होंगे, वो भी एक नए प्राचीन मंदिर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, वो भी बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, सतनाम श्री वाहेगुरु जी की फतेह।